गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी को आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक डेटा है स्कूल का और कुछ सब्जेक्ट का मार्क्स है, तो इसमें हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे? कलर के हिसाब से, ठीक है। चलिए हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर होम में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और आप हाइलाइट्स में जाने के बाद बिटवीन में जाएं और हम लोग क्या करना है कि वन से एंड 44, अगर वन से लेके 44 तक मार्क्स रहता है तो हम क्या करेंगे उसका कलर को रेड कर देंगे। देखिए यहाँ पे कलर आ गया है, रेड कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट फेल है, मैं 1 से लेकर 44 तक का मार्क्स जो इनपुट किया हूँ उसको फेल मान रहा हूँ, ठीक है। उसमें ओके कर देंगे। फिर दूसरा कंडीशन लगाएंगे वहीं पे जा करके बिटवीन में और लिखेंगे 45 to 59, जिसका मार्क्स होगा पास है, सेकेंड डिवीजन है और उसका कलर जो है सो हम डार्क ग्रीन कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए आपके सामने मार्क्स का कलर डार्क ग्रीन हो गया और ओके कर देंगे। फिर जाएंगे हम लोग तीन कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन में हम लोग लिखेंगे 60 to 100, मीन कि इसके बीच अगर मार्क्स मिलता है तो उसको ब्लू कलर कर दो और बोल्ड और इटैलिक कर दो। देखिए तो इससे आपके सामने दिख रहा है कि मार्क्स जो है सो तीन कंडीशन के अनुसार अपने आप को कलर कर लिया है, ठीक है। तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम लोग सीखते हैं नॉर्मल सा कि सपोज कीजिए कि 2 है और इसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, POWER पावर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसका एड्रेस डाल देंगे और कोमा देके अगर स्क्वायर निकालना है तो 2। देखिए आपके सामने आ गया। चलिए कुछ बड़ा डिजिट को करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इक्वल टू लिखेंगे, पावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे एरिया को, कोमा देंगे और 2, और ये हुआ एंटर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पावर देना सीख गए। अगर यहाँ पे 2 के प्लेस पे आप 3 कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो क्यूब आपको बना करके दिखाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए।